Sure, ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो वी विल स्टार्ट टुडे विद एन इंट्रोडक्शन टू ब्लड प्रेशर कंट्रोल। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक्यूट मैकेनिज्म्स भी हैं और लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स भी हैं, ठीक है। तो एक्यूट का मतलब है कि फौरन जो एक्टिवेट होते हैं, और लॉन्ग टर्म का मतलब है जो ज़रा देर में एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और दोनों को समझना, एक खास लेवल तक समझना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए। हम इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड प्रेशर देखेंगे, अक्यूट इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स को देखेंगे, ठीक है। अब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ये क्यों ज़रूरी है, ये मैंने वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर मैंशन करूँगा कि मेन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो बड़ा टाइटली रेगुलेट होता है, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर नहीं जाने दिया जाता। और इसकी बात मैंने वीडियो में की है, इससे पहले भी करता आ रहा हूँ। और जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ ने बेसिकली नलका खोल के या उसको ज़्यादा खोल के अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होता है। नलके से मुराद यहाँ पे आर्टरीज़ हैं, ठीक है ना। तो आर्टरीज़ में एक प्रेशर मेंटेन किया जा रहा होता है, तो टिश्यू जो है वो उस प्रेशर पे अपने मामलात को तय कर लेता है। जब उसको ज़्यादा चाहिए होता है तो वो वैसोडायलेशन करा देता है, और वो सारे मैकेनिज्म हमने पढ़ लिए थे, और उसकी वजह से उसका फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो रेगुलेशन है उसमें नर्वस रेगुलेशन भी आती है, उसमें हार्मोनल फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। और ये हैं वो सात चीज़ें, सात रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो अपना इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्यूट है, देख सकते हैं एक्यूट मैकेनिज्म्स हैं, फिर इंटरमीडिएट हैं, और फिर लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब इसमें एक कैटेगरी हमने बढ़ा दी है इसमें, क्योंकि हम डिटेल में जा रहे हैं, वो है इंटरमीडिएट मैकेनिज्म्स की, ठीक है। तो एक्यूट मैकेनिज्म का मतलब बेटा ये होता है जो सेकंड्स के अंदर एक्टिवेट होते हैं फौरन, ठीक है, सेकंड्स के अंदर एक्टिवेट होते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है जो कुछ मिनट या घंटों बाद, घंटों के लिहाज से एक्टिवेट हो, ठीक है। और फिर लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि वीक्स और मंथ्स पे जाती है ये बात, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं मेन। अब ये हैं क्या क्या, जैसा कि मैंने वीडियो में बयान कर रहा हूँ कि एक्यूट जो है वो सेकंड्स टू मिनट्स में एक्टिवेट होते हैं। इसमें जो दो इंतहाई ज़रूरी हैं, जो दो हम कवर भी करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम इसको कवर करेंगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ब्रीफली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, इसकी ब्रीफ आपको आनी चाहिए, इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है। इसको सिर्फ लिखना यहाँ पर ज़रूरी है ताकि आपको ये इल्म हो कि भाई एक ये कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन जैसा कि नाम से जाहिर है कीमो रिसेप्टर का मतलब केमिकल है, तो ये आर्टेरियल ब्लड गैसेस के लिए मेनली किरदार अदा करता है, और ब्लड प्रेशर में इसका किरदार कम है, ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। ऑल दोस्त हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। हम कवर करेंगे बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स को और सीनेस इस्कीमिक रिस्पॉन्स को। इसमें जो बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स है इस पर हमारा काफ़ी जोर रहेगा, ठीक है, ये आपका मेन वो है पॉइंट। जी साहब, जी बेटे सॉरी, खैरियत है? अच्छा चलो, तो ये एक्यूट बेटे हो गया। आपने ये भी नोट करना है कि एक्यूट सेकंड्स टू मिनट्स में एक्टिवेट होता है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम इंटरमीडिएट देख लेते हैं। इंटरमीडिएट जो है वो आफ्टर मेनी मिनट्स एक्टिवेट होता है। इसमें एक तो ये देखें कि एक रेनिन एंजियोटेंसिन वेसोकंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म ये, और इसको कंफ्यूज आपने नहीं करना, ये मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। रेनिन एंजियोटेंसिन यहाँ भी है और यहाँ भी, ठीक है। ये वाला रेनिन एंजियोटेंसिन वेसोकंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म है, ये वाला जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, ठीक है, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अगर आपको ये क्लियर है कि वेसोकंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है, तो नंबर टू पे इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है वो स्ट्रेस रिलैक्सेशन है, और नंबर थ्री पे फ्लूइड शिफ्ट है, ठीक है। ये भी जब इनका वक्त आएगा तो उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।
और लॉन्ग टर्म में आपके पास एक ही एंट्री है, रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्ट्रोमेटिस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बेटे? ओके, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करने लगा हूं रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, अब रेनिन एंजियोटेंसिन एक जो है वो वेसो कंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म है और दूसरा जो है वो एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है। अब ये क्या मसला? ये बड़ा सिंपल सी बात ये है कि जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो ये हम आगे भी आप किडनी में पढ़ेंगे, तो एक एंजाइम है जिसको रेनिन कहते हैं, ये किडनी से रिलीज होता है और क्योंकि ये एंजाइम होता है तो इसने ये कैटलिस्ट का काम करना है। इसमें ब्लड में मौजूद एक प्लाज्मा प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजिन, वो इधर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वो उस पर एक्ट करता है, रेनिन एक्ट उस पर करता है। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन पे एक्ट करता है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको तोड़ता है और उसको बनाता है एंजियोटेंसिन 1। फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, तो वो जो 2 है वो ये एंजियोटेंसिन 2 होना चाहिए, लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन ये तो मैं लिखना भूल गया, एंजियोटेंसिन 2, रेनिन एंजियोटेंसिन 2 वेसो कंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म। ओके, तो जब रेनिन बनना शुरू हो जाता है, जैसे बीपी ड्रॉप हुआ, रेनिन रिलीज होना शुरू हुआ, रेनिन रिलीज होना शुरू हुआ तो एंजियोटेंसिन 2 बनना शुरू हुआ। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अच्छा, जब रेनिन जब एंजियोटेंसिन 2 बेटे बनना शुरू हो गया, तो आपने अब एक बात याद रखनी है कि ये बात आपने याद रखनी कि एंजियोटेंसिन 2 का जो इमीडिएट एक्शन है, यानी जैसे ही वो बनना शुरू होगा, अच्छा ये सारा सेटअप जो है ना, ये एक्यूटली नहीं होता, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको चंद मिनट लग जाते हैं बनते हुए। ये जो मैकेनिज्म्स हैं, ये आपने अप्रिशिएट करना है इस बात को, ये मैकेनिज्म सेकंड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और मिनट्स तक मेच्योर हो जाते हैं, फुल काम करना शुरू कर देते हैं। ये जो हैं ये मिनट्स में एक्टिवेट होते हैं, इनको कई मिनट लग जाते हैं एक्टिवेट होने, इसलिए हमने इनको इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म वाले जो हैं वो दिनों और हफ्तों के लिहाज से, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको वैसे बयान कर रहा हूँ, वीक्स और मंथ्स के लिहाज से ये काम करते हैं, ये वीक्स में एक्टिवेट होते हैं और फिर आगे चल के अपना काम पूरा करते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात पर गौर करना है कि रेनिन जो है वो बनना शुरू नहीं होती एक्यूट फेज में, रेनिन थोड़ी देर बाद, और ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर में कोई रद्दो बदल आया है, खास तौर पर वो नीचे गया, मीन आर्टीरियल प्रेशर MAP। ठीक है, ये खास तौर पर जब ये नीचे जाता है तो ये मैकेनिज्म थोड़े से एक्टिवेट हो जाते हैं, इसके ऊपर जाने भी होते हैं, लेकिन मैं एक चीज समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि अगर रेनिन आपने समझना है ना, तो आपको ये समझना होगा कि जब मीन आर्टीरियल प्रेशर ड्रॉप करता है तो रेनिन रिलीज करता है, जब रेनिन रिलीज होता है तो फिर वो सारा कैस्केड ऑफ रिएक्शन है जिसमें इवेंचुअली एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है। ठीक है, ये सारा इंटरमीडिएट के खाते में होगा, यस, और उसके बाद ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है, तो आपका जो डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर है, जब वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर वो अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, वेजो कंस्ट्रक्शन से ब्लड प्रेशर इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। इस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन वेजो कंस्ट्रक्टर मैकेनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मैकेनिज्म टू कंट्रोल मेन आर्टीरियल प्रेशर। ये बात समझ में आई है? ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकियों को रेनन बेटे कैटलिस्ट होता है, हार्मोन नहीं होता, एक कैटलिस्ट होता है, हार्मोन आप इसको नहीं, इसको आप एंजाइम ही समझें, एंजाइम है।
ठीक है चलो अभी चलते हैं। अब फिर इधर क्या मामला है, मामला है? ये क्या चीज है? तो वही एंजियोटेंसिनोजन, जिस एंजियोटेंसिन टेंसिनोजन को आपने बना दिया था, एंजियोटेंसिन 2 को जिसने बेजो कंस्ट्रक्टिंग कर दी थी यहाँ पे, वही यानी मिनट्स के अंदर, विद इन मिनट्स वो बेजो कंस्ट्रक्शन करता है। और फिर कुछ अगर कुछ दिन लग जाएं तो वो एक और काम करना शुरू कर देता है, वो ये काम, वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करना शुरू कर देता है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एजेंट वही है, ये दोनों सेम चीजें हैं, एंजियोटेंसिन 2 सेम कंपाउंड है जो रेनिन की वजह से ब्लड में सर्कुलेट करना शुरू कर देता है दस्ती तौर पर, फौरन वो वेजो कंस्ट्रक्शन कर देता है। और जब आप उसको अलाउ करें कि वो डेज और वीक्स में चला जाए, तो फिर वो क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड से वो एल्डोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन शुरू करवा देता है। ये एल्डोस्टेरोन होता है जो सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है? सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन, सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। पता नहीं इस पे क्यों नहीं आ रहा, वहां पर वो इमेज है, सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, बस ठीक है। तो वो उसमें वो भी ये जो सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन है, ये भी आपके मेन आर्टेरियल प्रेशर को हेल्प करेगी कि वो अप हो जाए। यस, इस पे कोई अब तक कोई सवाल है तुमसे? अभी कर ये बेटा, इसलिए क्योंकि मैंने समझाई नहीं अभी, मैंने मोटी मोटी बातें आपसे की हैं। एंजियो, चलो सुन लो, एंजियोटेंसिनोजेन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो इनएक्टिव होता है। क्या कहते हैं उसको? एंजियोटेंसिनोजेन। चलो मैं लिख देता हूं, ये जो मैंने लिखा है ना, ये इनएक्टिव, ये एनजीओ की स्पेलिंग गलत हो गई है, ए आई एन नहीं है, ए एन है, ठीक है। टेंसिनोजन, रोजा लग रहा है मुझे लगता है एनजीओ टेंसिनोजन होना चाहिए, एनजीओ टेंसिनोजन। मैंने डैश लगा के किया ताकि आपको इसकी स्पेलिंग समझ में आए, ठीक है। ये इसकी इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। अब रेनिन रिलीज हो गया, ठीक, रेनिन रिलीज हो गया, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजेन को तोड़ा, क्लीव किया, चेंज किया, क्या बनाया? एंजियोटेंसिन 2, सो 2 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2। अगेन ये डैश, जो एंजियोटेंसिन के दरमियान डैश है, ये डैश होता नहीं, ये वन वर्ड है, ये डैश लगा के नहीं, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि आपको समझ आए, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2, सॉरी गाइस, एंजियोटेंसिन 1 बनता है, आपके टीचर को वाकई रोजा लगेगा। एंजियोटेंसिनोजेन से पहले जो बनता है एंजियोटेंसिन 1 बनता है, मैं लिख रहा हूँ, जस्ट वेयर गुड, पहले ये बनेगा बेटे, और उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 बन। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बन गया है ना, ये बहुत एक्टिव होता है, एंजियोटेंसिन 1 बस दरमियाना ही होता है। बेटे मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ, चैट में लिख रहा हूँ, अलीशा मैं चैट में लिख रहा हूँ, जहां पे आप कमेंट्स लिखते हैं ना, मैं वहां पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एक्टिव नहीं होता, एंजियोटेंसिन 2 बहुत एक्टिव होता है, वो दो काम करता है जैसे हमने अभी तो बताया, मैं लिख भी देता हूँ, वो पावरफुल वेजो कंस्ट
रिस्ट्रिक्टर होता है और वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाता है। ठीक है जी, पहले वन बनता है फिर टू बनता है। यस, पहले एंजियोटेंसिन वन बनता है फिर टू बनता है। ओके चलो, ये हो गया। अब हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, आज इतना काफी है। हम इंट्रोड्यूस करेंगे बैरल रिसेप्टर को, और जैसे मैंने आपसे कहा कि हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे बेटे, ठीक है। इसमें अब हम बैरल रिसेप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटे ये पहला रिफ्लेक्स होता है जो एक्टिवेट होता है जैसे ही ब्लड प्रेशर आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर नीचे जाता है या ऊपर जाता है, चेंज होता है। मीन आर्टेरियल प्रेशर में कोई चेंज हो तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करता है वो है जनाब याद आपका बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स तो समझ में आ गई क्या बात है कि रिफ्लेक्स तो आपको पता है कि जब स्टिमुलस होता है एक रिफ्लेक्स का, तो रिफ्लेक्स एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है ना। वो तो हमें समझ में आता है। ये बैरल रिसेप्टर क्या चीज़ है, बैरल रिसेप्टर क्या है तो बताएगा। नहीं बैरो बेटे, बैरो टेम्परेचर कहाँ से आ गया, प्रेशर। बिल्कुल, बैरो बैरोमीटर नहीं पड़ा, बैरोमीटर। तो ये प्रेशर प्रेशर को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर कहाँ कहाँ लगे होते हैं, ये कैरोटिड के बाइफर्केशन पर लगे हुए होते हैं, यहाँ लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये आर्च ऑफ एओर्टा के अंत नीचे लगे हुए होते हैं। ये देखो एओर्टिक बॉडीज है, वो तो कीमो रिसेप्टर है, बैरोसेप्टर लिखा हुआ है, बैरोसेप्टर फाइबर्स बैरोसेप्टर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे लगे हुए होते हैं और एक कैरोटिड जो कैरोटिड्स की बाइफर्केशन पे होता है, ठीक है। ये दो जगह होती हैं बैरल रिसेप्टर्स की। सबसे ज्यादा बैरल रिसेप्टर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फिर इसको इंशाल्लाह फिनिश करेंगे बात को। आपने सी कनेक्टिविटी थोड़ी सी देखनी है, इस पर बहुत ज्यादा मैं आपका और हॉल नहीं करवाऊंगा। आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटे कि ये जो बनाया है ना इधर, इसमें इस ये तो ब्रेन का, तो ये वाला सेक्शन आपने देखा होगा, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये हाइपोथैलेमस है, ये पॉन्स है, ये पॉन्स है, नजर आ रहा है ये, यस। और ये मेडुला है, ये मेडुला, ठीक है। मैं इसको बना भी देता हूँ जिससे किसी बच्चे को बदमाश समझ आएगा। बेटे ये पॉन्स है, ये मेडुला, ठीक हो गया। फिर ये लंबा है थोड़ा सा, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। अब पॉन्स और मेडुला में ना एक जगह होती है, उसको वेजो मोटर सेंटर कहते हैं। मजे की बात है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, वेजो मोटर सेंटर, ठीक है। वेजो मोटर सेंटर बुनियादी तौर पर आपको यहाँ दिखाया गया है, ये वेजो मोटर सेंटर है, ये सारा वेजो मोटर सेंटर है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वेजो मोटर सेंटर में पूरे में उसके अंदर और भी सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बताई जा रही, ठीक है। अब वेजो मोटर सेंटर इस डायग्राम में कहाँ पे है बेटे, वो ये ब्रेन स्टेम कहते हैं इसको, पॉन्स प्लस मेडुला, पॉन्स और मेडुला को मिला के इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम में होता है, यानी इस एरिया में होता है वेजो मोटर सेंटर, और वो वेजो मोटर सेंटर ये हो गई बात, समझाइए। कोई बात नहीं मेरा, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा ओके, वेजो मोटर सेंटर के फंक्शन पे मैं अब आ रहा हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। अब बेटे आपने ये सोचना है कि इसमें एक सिंपैथेटिक नर्वस सेंटर भी है, इसमें एक पैरासिंपैथेटिक या वेगल सेंटर भी है, और इसमें एक चीज होती है एनटीएस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना।
आपने सिर्फ इसकी मोटी मोटी बातें और करनी। पहले तो आपने इसकी लोकेशन मैंने आपको समझा दी, वो इधर है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको कहते हैं वेजो मोटर सेंटर, ठीक है। ये हायर सेंटर से भी कनेक्टेड होता है, जैसे आप देख सकते हैं हायर सेंटर से कनेक्टेड है, और फिर ये ब्लड वेसल्स और हार्ट से भी कनेक्टेड है। ये तो ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जरा देख लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि हायर सेंटर से भी कनेक्टेड है, और सर्कुलेशन में ये हार्ट से भी कनेक्टेड है, और ये ब्लड वेसल से भी कनेक्टेड है। अभी देख लेते हैं जरा कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा होगा। इसके अंदर एक शय है कॉल्ड NTS, फिर एक चीज, एक सेंटर है उसको पैरासिम्पथेटिक सेंटर कहते हैं, और एक सेंटर है उसको सिंपथेटिक सेंटर कहते हैं, ठीक है। सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक का तो आपको पता है, इससे बनता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। मैं लिख देता हूँ, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, आई थिंक इसलिए स्पेलिंग है, सॉलिटेरियस चेक कर लूंगा, ठीक है। अब अगेन मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें करूंगा। बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स की जो इंफॉर्मेशन आती है वो ये रिसेप्टर एफरेंट से आती है। आपको पता है एफरेंट का क्या मतलब होता है? एफरेंट वो होता है जो सेंसरी सॉलिटेरियस, सॉरी LI, जज़ाकअल्लाह बेटर, सॉलिटेरियस। जो बैरल रिसेप्टर है वो क्योंकि एक रिसेप्टर है, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो एफरेंट फाइबर्स के जरिए आएगी, ठीक है, टूवर्ड्स द CNS, यस। ये वो इंफॉर्मेशन बेटे आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अब अगेन इसने यहाँ पे बैरल रिसेप्टर इसलिए नहीं लिखा कि बतेरे इसमें एफरेंट्स आ रहे होते हैं, तो इस डायग्राम को आप कई और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स के लिए। तो बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स से जो एफरेंट आती है वो एंटर होती है वेजोमोटर सेंटर में, और वो सीधी जाती है NTS में। आप समझ लें ये पोस्ट ऑफिस है, इट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा और फिर ये आगे भेजेगा उनको, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप गौर करें तो सारे एफरेंट्स रिसीव इधर ही हो रहे होते हैं, इस जगह हो रहे होते हैं, ये इस जगह हो रहे होते हैं, ठीक है। और उससे फिर ये हायर सेंटर में भी जा रहे हैं, फिर ये सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में भी जा रहे हैं, और ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, यहाँ से फिर ये अपडेट करता है पैरासिम्पथेटिक को और सिंपथेटिक को कि हुआ क्या है, ठीक है। अब गौर से सुनो, अगर BP हुआ है ड्रॉप, जी बिल्कुल, NTS इंफॉर्मेशन, NTS एफ इंफॉर्मेशन लेता है, अगर ब्लड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो एफरेंट इंफॉर्मेशन कम आएगी, क्योंकि वो BP ड्रॉप कर गया है। बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जब खिंच कम पड़ती है, ज़ाहिर है जब जितनी ज़्यादा खिंच होगी उन पे, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा खिंच पड़ेगी, जितनी ज़्यादा खिंच पड़ेगी उतना ज़्यादा एफरेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। ये बात समझ में आई है कि बड़ी क्रूशल बात मैं जल्दी में कह गया हूँ, मैं इसलिए स्लो डाउन कर रहा हूँ दोबारा। बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स, एक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वापस जा रहा हूँ, बस अब शुरू होने वाली है, चलो ब्रेक फॉर अज़ान प्लीज। अच्छा सॉरी गाइस, मैं रिकॉर्ड रिज्यूम करना भूल गया था, तो मैं बस अब तक की वीडियो कंप्लीट हो जाए तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिसने जाना है वो जा सकता है, ठीक है। मैं सिर्फ रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि बैरल रिसेप्टर एफरेंट्स NTS के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। जब ब्लड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ हुआ होता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है, इस केस में सिंपथेटिक्स को एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो इंक्रीज करें वेजो कंस्ट्रिक्शन और ब्लड प्रेशर अप हो जाए, ठीक है। और दूसरा मैंने सिनेरियो बताया था, अगर ब्लड प्रेशर अप हुआ हुआ है तो उस केस में एफरेंट्स जो हैं वो इस तरीके से NTS को पे से इंटरेक्ट करेंगे कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को डल कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा, ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर दिया जाएगा क्योंकि वो इंक्रीज है, ताकि वो अपने नॉर्मल हालत में आ जाए वेजो डायलेशन के जरिए, ठीक है।
ठीक है, ये बात डिस्कस हुई थी। आई एम जस्ट एडिंग दिस इंशाल्लाह ताकि वीडियो कंप्लीट हो। थैंक यू।